करनाल के लघु सचिवालय में संस्था श्री शनि शरणम सेवा धाम ने जिले की एडीसी वीना हुड्डा को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में संस्था श्री शनि शरणम सेवा धाम की ओर से निवेदन किया गया है कि गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, उनके बलिदान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय शामिल किया जाए, क्योंकि आज का समाज इन महापुरुषों को भूल चुका है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बलिदान दिया गया था, जो हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए उन्होंने सरकार से उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। बता दें कि इस मौके पर अनुराधा भार्गव, आजाद शर्मा, जिले सिंह पिचौलिया, अमित शर्मा, विशाल चनालिया, प्रदीप कुमार, विजेंद्र कुमार, अजय व अन्य गणमान्य जन शामिल रहे। हम आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु हर गोविंद जी के 5वें पुत्र थे। सिख धर्म के प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी को 20 मार्च 1664 को सिखों का गुरु बनाया गया। इनको सिखों द्वारा प्रेम से हिंद की चादर के नाम से भी सम्मानित किया जाता था। गुरु तेग बहादुर एक महान शिक्षक के रूप में जाने वाले एक उत्कृष्ट योद्धा, विचारक और कवि भी थे। हम आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर जी प्रसिद्ध यात्री भी थे, जिन्होंने पूरे भारत के उपमहाद्वीप में उपदेश केंद्र स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी इस यात्रा के मिशन में पंजाब में चाक नानकी नामक शहर की स्थापना की। बाद में ये आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। करना चाहती हूँ, जो आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम डी साहब से मिलने आए हैं, उनको एक ज्ञापन देने आए हैं। जो हमारी यूथ ब्रिगेड हैं वो सभी इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जो हैं, उन्होंने हमारे हिंदू समाज के लिए एक शहीदी दी थी अपनी। और 1675 में जिस टाइम औरंगजेब जबरन मुसलमान धर्म को परिवर्तित करता था, हिंदू समाज को मुसलमान में कन्वर्ट करता था, उस समय गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी शहीदी दी थी। हमारा हिंदू समाज अगर आज जीवित है, अगर स्वतंत्रता है, हम लोग खुली सांस ले रहे हैं, तो वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो देखिए, आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको पता ही नहीं है, युवाओं को जगाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो जितनी पीढ़ियाँ हैं उनको ये भी नहीं पता गुरु तेग बहादुर जी हमारे भी गुरु हैं। जैसे कि यार लोग क्या कहते हैं कि सिखों के गुरु हैं, सिखों के गुरु तो वो है ही, लेकिन वो भी तो हमारे हिंदुओं के भी तो गुरु हैं, पूजनीय हैं। तो इसलिए आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन्हें पता चलना चाहिए गुरु तेग बहादुर जी का हमारे समाज में क्या योगदान है। तो आज हम डी साहब से मिलने का हमारा जो प्रोविज़न यही है कि हम शिक्षा मंत्री जी से मांग कर रहे हैं, मोदी जी को हमने एक लेटर लिखा है जो कि हम डी साहब के द्वारा जो है ना उनके पास पहुँचाना चाह रहे हैं, कि कक्षा 1 से और कक्षा 12 तक पाठ्यक्रम में, नॉट इन हरियाणा एंड पंजाब, हम ये चाहेंगे एवरी जितने भी स्टेट हैं हमारे उसके अंदर पहली से और 12वीं कक्षा तक ये जो अध्ययन है वो शामिल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि जो तेग बहादुर जी का है समाज में क्या योगदान है। तो इस बारे में हम डी साहब को आज ज्ञापन देने आए हैं। आपने जो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं आने वाले समय में या अन्य जिलों में भी ज्ञापन? सर, हम लोग ये चाह रहे हैं कि अपने ज़िले से ही हम लोग शुरुआत करें, ताकि ये ही जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के पास चला जाए। बहुत जल्दी हम शिक्षा मंत्री जी से भी टाइम लेने वाले हैं इस बारे में, अपने यूथ ब्रिगेड को लेकर। योगी जी ने शुरुआत कर दी है अपने यूपी में, इस बारे में आपका क्या? पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी योगी जी का, जो उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत जो की है, और इस जो मेरी मुहिम है इसकी शुरुआत ही जैसे कि उत्तर प्रदेश से देखी जा रही है कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, उनके छोटे छोटे बच्चे जो थे वो शहीद हो गए हैं, साहिबजादे हमारे, और ये चीज़ होनी चाहिए क्योंकि हमारा हिंदू समाज तो ऋणी रहेगा इन सभी गुरुओं का जिन्होंने शहीदी दी है, छोटे छोटे साहिबजादों ने शहीदी दी है गुरु गोविंद सिंह जी के, जो अगर उनके अगर दिखाए हुए मार्ग पर हमारा हिंदू समाज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.